हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और एडिट बॉक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ 3D सेव द डेट का प्रोजेक्ट, जो ADS के किसी भी वर्जन में ओपन हो जाएगा, चाहे वो 7 हो, 8 हो या 9 हो। तो दोस्तों, पहले हम इस प्रोजेक्ट का डेमो देखेंगे, बाद में इसको कैसे एडिट करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये था हमारा सेव द डेट का डेमो। तो चलिए दोस्तों, हम उसको कैसे एडिट करना है वो हम देखते हैं। इसके पहले दोस्तों, जो फोल्डर आप डाउनलोड करोगे तो उस फोल्डर की प्रॉपर्टी हम देख लेंगे, 149 MB की है। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको गूगल में टाइप करना पड़ेगा, WinRAR लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना आप वहाँ से, गूगल में से, और डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यहाँ पर राइट क्लिक करना है और WinRAR में जाके एक्सट्रैक्ट पर कर देना है। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये हमारा फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी 167 MB की है। इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए हमको ADS7 ओपन करना पड़ेगा। मेरे पास ADS7 है, इसलिए मैं ADS7 ओपन करूँगा। अगर आपके पास ADS9 हो, ADS8 हो या तो फिर ADS7 हो, ये प्रोजेक्ट किसी भी ADS में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमको ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ओपन प्रोजेक्ट पे जाके प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। दोस्तों, ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। ठीक है, तो अभी दोस्तों हम इसका टाइपिंग कैसे चेंज करेंगे? तो मैंने यहाँ पर रूट के अंदर दो फोल्डर दिए हुए हैं, PS टाइटल। हाँ दोस्तों, ये टाइटल फोटोशॉप में ओपन होगा, तो आपके पास फोटोशॉप होना जरूरी है। कोई भी फोटोशॉप वर्जन चलेगा, CS3 हो या तो फिर CC हो। दोस्तों, हमें इस टाइटल को चेंज करना है, जैसे कि ये लड़का है, इस लड़का का नाम चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर रूट के अंदर दो फोल्डर दिए हुए हैं, PS टाइटल और फोटो करके। टाइपिंग चेंज करना है, लड़के का नाम चेंज करना है, तो यहाँ पर लड़के का नाम है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक करोगे तो आप सीधा वो फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। फोटोशॉप दोस्तों CS3 हो, CS2 हो, CC हो, कोई भी फोटोशॉप इसमें चलेगा। तो दोस्तों, हमारा ये टाइटल का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए यहाँ पर टी पर क्लिक करना है और जस्ट एडिट ही करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया राजेश। ठीक है, बस एडिट करके यहाँ पर क्लिक कर देना है और कंट्रोल कंट्रोल एस, बस इतना ही करना है। कंट्रोल एस करने के बाद इसको बंद कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा टाइपिंग जो है, जो लड़का का नाम है, वो चेंज हो गया। दोस्तों, इस तरह से हम किसी भी टाइटल को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि फोटो को कैसे एडिट करना है। तो फोटो को एडिट करने के लिए यहाँ पर रूट के अंदर मैंने एक फोटो का फोल्डर दिया हुआ है,
तो यहाँ पर ये इमेज जो है, ये जो फोटो है, ये फोटो यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो अभी मेरे को दूसरा फोटो सेट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद आपका जो भी फोटो है उसको ओपन कर लेना है। मेरे पास यहाँ पर ये फोटो है। अब हम इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी करना है इस फोटो को। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो मेन है, मेन सीक्वेंस, उसके बाजू में मैंने सेव द डेट की एक दूसरी सीक्वेंस बनाई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ओपन कर देना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पूरी सेव द डेट की जो सीक्वेंस है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये फोटो सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमको उसको जो फोटो है उस फोटो पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रिप्लेस में जाना है। रिप्लेस में जाने के बाद क्लिप में, और उसमें आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो शिफ्ट आर करके। रिप्लेस में जाने के बाद यहाँ पर क्लिप पर क्लिक कर देना है, या तो फिर आप कीबोर्ड पे शॉर्टकट की पे शिफ्ट आर भी दबा सकते हो। तो यहाँ पर मैं जस्ट क्लिक कर देता हूँ क्लिप पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा फोटो चेंज हो गया है। अब हम इस फोटो को थोड़ा सेट कर देंगे। सेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद लेआउटर पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर जस्ट थोड़ा फोटो सेट कर देना है, जैसे कि मैंने ये फोटो सेट कर दिया। सेट करने के बाद हमें ओके पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर फोटो मेरा चेंज हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम फोटो को चेंज कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे मेन सीक्वेंस के अंदर, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये जो हमारा फोटो है, जो पहला जो लड़का था वो चेंज होके दूसरा आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइटल के किसी भी टाइटल पेज को एडिट कर सकते हो, और इस टाइटल के किसी भी फोटो को भी चेंज कर सकते हो। दोस्तों ये टाइटल आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और एडिट बॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जो नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलता हूँ, जय हिंद।